उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के जनजातीय आईटीआई में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री समेत सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ सितारगंज विधायक सौरभ गहुगुणा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत क्षेत्र के 65 शहीदों के परिजनों को सम्मान पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो देश के सैनिकों के सम्मान में हमेशा आगे रहती है। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सैनिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शहीदों के सम्मान की यात्रा चल रही है। उसी कड़ी में आज खटीमा की पवित्र भूमि में शहीदों के सम्मान के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आज हम देश में अगर चैन के लिए सोते हैं उसमें हमारा सैनिकों का अहम भूमिका है। अगर वो सीमाओं पर नहीं होंगे उसमें कहीं कहीं हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमारा जो उत्तराखंड है ये सैनिकों का प्रदेश है। कोई भी ऐसा जंग नहीं है हिंदुस्तान का जिसमें हमारे उत्तराखंड के सैनिक शहीद न होते हों।